तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो भी लॉकडाउन के बाद चेंजेस आए हैं सुंदर नर्सिंग में, तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। जो भी भाई चैनल पर ना हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। सर एंटर करते ही ये है यहाँ पे एमपी थिएटर, जो कि बहुत सुंदर लोकेशन है सुंदर नर्सरी की, जहाँ पे आप आराम से बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। बाकी मैं आके टिकट प्राइस के बारे में बताऊँ तो टिकट प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन। सो जस्ट एमपी थिएटर के सामने मूविंग फॉरवर्ड आपको दिख जाएगा लोटस पूल, जो कि बहुत सुंदर है। बाकी इसमें लोटस थोड़े कम है वो मैं मानता हूँ, बाकी दिखने में बहुत अच्छी लोकेशन है। सुंदर नर्सरी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जो कि पार्क के तौर पे कंसिडर नहीं हो सकती। बाकी यहाँ पे लोग मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा जॉगिंग वगैरह करने और एक्सरसाइजेस करने आते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट पार्क कह सकते हैं अगर हम दिल्ली में खूबसूरती के तौर पर। तो आप यहाँ पे इस एमफी थिएटर का साइज़ देख सकते हो, लाइक ये लुक में बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ को डिटेल में तो मैं कवर नहीं कर रहा, बाकी डिटेल के लिए अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो पहले मैंने इसका ब्लॉग बना रखा, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा तो जाके वो चेकआउट कर सकते हो। तो इस जगह का नाम है सुंदरवाला बुर्ज, और ये प्रॉपर दोनों साइड अगर आपको दिखाऊँ तो सेम स्ट्रक्चर है प्रॉपर अगर दोनों साइड अगर हम घूमेंगे। और ये यहाँ की वही टनल जो कि भैया आगरा निकलती है सीधा गुप्पनदेव राइस में, और यहाँ ताला लग रखा है, अंदर कुछ दिख नहीं पाएगा। और ये वो प्लेस है जहाँ पे कि लोग अक्सर कैंपिंग करते दिख जाएंगे आपको। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, शाम के टाइम यहाँ लोग अपना कैंप वगैरह या पिकनिक मना लेते हैं आराम से, पूरा खाली स्पेस है। सो ये बिल्कुल सेंटर में सुंदर नर्सरी में ये एक स्ट्रक्चर बना रखा है, और सबसे मेन नज़ारा जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इस पूरी सुंदर नर्सरी में, वो इसको जस्ट क्रॉस करके है, और वो आपको आगरा के ताजमहल की ज़रूर याद दिलाएगा। और वो नज़ारा है सामने ये वाला, और भाई इसको देख के कोई भी बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकता। और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि सारे पंछी नहा रहे पानी पी रहे हैं पूरे एंड तक, जहाँ पे भी देखोगे पंछी पंछी दिखेंगे बहुत सारे। और यार आज के दिन जिस दिन मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इस दिन भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भाई प्लीज़ मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके चले जाना वीडियो के नीचे, बहुत मेहरबानी होगी आप सबकी। और यहाँ पे बहुत सारे बेंच होते हैं, यहाँ पे बैठ कर रिलैक्स करना भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम शांति और सिर्फ चिड़ियों की आवाज़, और सामने सारी चिड़िया को हुए नहाते हुए मस्त नज़ारा। पे ये है लक्कड़ वाला बुर्ज, और वो रहा ठीक सामने हमारे, तो अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा भाई, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी उसको मैंने कवर कर रखा है अपनी पुरानी वाली वीडियो में। तो यार सुंदर नर्सरी में बेसिकली दो पॉन्ड है, एक इस साइड है और एक है फैब कैफे साइड, और बाकी दोनों में फाउंटेन है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। तो जैसे ही आप स्ट्रेट आओगे बिल्कुल सुंदर नर्सरी में एंटर करके, तो आपको ठीक सामने दिखेगा ये ब्रिज जिसके कि दोनों साइड पॉन्ड है, और दोनों ही पॉन्ड में सुंदर सुंदर से फाउंटेन लग रखे हैं। और भाई अगर आप नेचर लवर हो तो आपको इस जगह ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नेचर के बीच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसा कि इसका नाम है सुंदर नर्सरी, तो यहाँ पे प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा है फ्लावर्स की, मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावर्स लगा रखे हैं। अभी इस साइड तो सिर्फ एक दो टाइप के दिख रहे हैं, बाकी पूरी में बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइप के फ्लावर्स लगा रखे हैं। और इस पूरी नर्सरी की सबसे वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस जो है वो यही है, स्ट्रेट बिल्कुल एंड में, मतलब दूसरे कॉर्नर पे, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम के लिए क्लिक करवा सकते हो।
और यार ये प्लेस मेरी लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहती है अगर दिल्ली में कोई घूमने की जगह के बारे में सोचूं। तो यार यहाँ तक तो मैंने आपको कवर करके दिखा दिया, बाकी भाई जिसको भी यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अभी मैं आपको फैब कैफ़े वगैरह कवर करके दिखाऊंगा और हम उस साइड भी जाएंगे जिस साइड लाइक मैंने पहले विज़िट नहीं कराया सुंदर नर्सरी में। और इस जगह अगर आप आना चाहते हो तो फ्रेंड्स कपल्स कोई भी आ सकता है, फैमिली वाले। और इस जगह का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वगैरह है और टाइमिंग्स वगैरह वो सभी डिटेल्स जितनी भी रहेंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये फैब कैफ़े जिसकी की टाइमिंग है लिख रखी, और यहाँ की कॉफ़ी भाई बहुत सही है, कॉफ़ी पी रखी है मैंने यहाँ पे और सैंडविच खाया था। तो ये दो चीज़ ट्राई करिए, बाकी आप आगे ट्राई कर सकते हो। और साइड में पूरा पॉइंट साइड व्यू है और पॉइंट साइड ही उस साइड सीटिंग है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ खाने पीने वाला नहीं हूँ तो इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। तो ये है फैब कैफ़े और इसकी जितनी भी सीटिंग है वो पॉइंट साइड है, तो आप आके इंजॉय कर सकते हो। और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप हुमायूं साइड आ रहे हो लाइक हुमायूं टॉम घूम रहे हो तो सुंदर नर्सरी को घूमना बिल्कुल मत भूलना, उसके ठीक सामने है ये। और फैब कैफ़े की बैक साइड में ये सारा बच्चों के लिए बना रखा और अब थोड़ा मेंटेन कर रखा, पहले बहुत बेकार था, या तो बारिश हुई इस वजह से घास वास उग गया, अब अच्छा लग रहा है दिखने में। लाइक ये वो रोड है जो मैंने आपको बताया जिस साइड मैंने पहले विजिट नहीं किया है, तो इसलिए आज इस रोड को एक्सप्लोर करेंगे। और इस साइड कहते हैं कि बर्ड्स वगैरह काफ़ी दिखती हैं। और यहाँ पे एक ट्री हाउस टाइप का भी बना रखा है, बट ड्यू टू कोरोना तो इसलिए इस पर चढ़ना वगैरह वो बिल्कुल बंद कर रखा है ऊपर की साइड। और इस साइड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस साइड बर्ड्स वगैरह काफ़ी दिखती है और इस साइड बोर्ड भी लग रखे हैं पीकॉक वगैरह के, तो यहाँ पे एक तो मेरे को दिख चुका है भाई पीकॉक, और ये कोई दूसरा बर्ड है, इसका मेरे को नाम वाम नहीं पता। बाकी अगर आप बर्ड्स देखने के शौकीन हो और आपको थोड़ी शांति वाली जगह चाहिए तो ये साइड आपके लिए द बेस्ट है। ठीक इसी रोड पे इस साइड रास्ता जा रहा है भाई, ये बिल्कुल खाली है तो इस पे मैं जाने से रहा, बाकी आप चाहो तो घूम सकते हो। और यार किसी भी नेचर वाली जगह पे डस्टबिन्स होती हैं, और नहीं भी होती तो भाई कूड़ा वगैरह कहीं पे भी मत फैलाया करो, लाइक इतनी सुंदर जगह को ख़राब मत किया करो। बाकी दिल्ली में अगर सेफेस्ट प्लेस की बात करी जाए और अगर सबसे बेस्ट प्लेस की बात करी जाए घूमने के लिए किसी के भी साथ, तो मेरी लिस्ट में भाई सुंदर नर्सरी टॉप पे आती है हमेशा, और मैं सबको ये जगह जो है रिकमेंड करता हूँ। और यार वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।